नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दरिंदगी की हद में दम तोड़ती इंसानियत, नाबालिग लड़की के साथ की जबरदस्ती की कोशिश, लड़की के परिजनों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। दरिंदगी की हद में दम तोड़ती इंसानियत तार तार होती नजर आ रही है। जो घर में अकेली नाबालिग लड़की के साथ गाँव के ही एक दबंग व्यक्ति द्वारा नाकाम गलत इरादों से अश्लील हरकत करने पर आमदा हुआ, जिसकी शिकायत लड़की के पिता द्वारा पुलिस अधीक्षक से की गई। इस बर्बरता पर भूरागढ़ के इस पूर्वाक में दबंग व्यक्ति के प्रति काफी रोष व्याप्त है, जिस पर पीड़िता के पिता सूरज निषाद पुत्र बद्री प्रसाद द्वारा पुलिस अधीक्षक को आज शिकायत पत्र दिया गया है। और जितने थप्पड़ मारा और भगाना, मैं अपने काफी चिल्लाने में तो भगा गया। तो आपके मम्मी पापा घर पे नहीं थे? नहीं थे। कहाँ गए थे वो? पापा बाहर थे और मम्मी नहीं। कब की बात है ये? 7-8 रोज हो गए। 7-8 रोज हो गए। मटौन थाने गए थे? नहीं गए थे। नहीं गए थे। थाने गई थी आप? थाने गई थी। क्या घटना घटी आपके साथ? हम साहब, सूरज नाम है, हम रहते हैं अहमदाबाद में, प्लास्टिक काम करते हैं। और लड़की अकेली सो रही थी तो उसके पास शहीद आया। इतनी देर तक लड़का छत पे बैठ गया और कपड़ा पड़ा झीकने लगा, मोबाइल भी नीच लिया, दो थप्पड़ मारा, गाली गलौज बकने लगा। तो किस गांव का मामला है ये? बोधीपुर का मामला। मटौन थाना नहीं गए? मटौन थाना गए थे, साहब ने मिले तो वापस आ गए। अभी कहाँ पे आए हो? अभी इसमें आए हो। क्या कहा साहब ने? सुनाई होगी। सुनाई होगी। बोधी की पूर्वाग इसके बारे में जानकारी बताएंगे? ये एक मामला आया है, इसमें सूरज निषाद आए थे प्रार्थना पत्र लेके यहाँ पे, और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बेटी के साथ किसी ने बदमाशी की, बदतमीजी की, तो उनको थाने पर सूचित करा के थाने भेज दिया गया है। जांच के लिए गए हैं दरोगा जी मौके पर, जो भी कार्रवाई इसमें बन सकती है। पेश है बांदा से अरबाज खान की खास रिपोर्ट।